हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मेडिकल के लिए अपना करते हैं। मेडिकल एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है और मेडिकल में स्कोप भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हाँ, ट्वेल्थ के बाद अगर हम सोचते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्स है जिसमें बहुत जल्दी आप एकदम से अर्निंग शुरू कर दें, तो वहाँ पर मेडिकल एक अच्छा चांस होता है कि जहाँ पर आपको कम टाइम पीरियड में भी काफ़ी चीज़ें आप अच्छे गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें है डी फार्मा के ऊपर। डी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा करने के लिए आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, अगर आप डी फार्मा करते हैं तो उसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे रहता है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, और फ़ीस के बाद उसमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती है, और लास्ट क्या अगर कोई बोलता है आपको कि बी फार्मा या डी फार्मा के लिए हम आपको बैक सेशन में एडमिशन करवा देंगे या बैक डेट में करवा देंगे, तो वो आपको करना चाहिए या नहीं। तो सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपकी कवर करने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पर और पूरी ब्रीफ में मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपको देने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा होता क्या है। डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्या रहता है कि अगर आपने अपना ट्वेल्थ किया है और ट्वेल्थ में अगर आपने PCM या PCB या ZBC से अगर आपने किया है, तो हाँ, आप डी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा को करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप SC ST OBC से होते हैं तो 45% आपको जो होती है मिनिमम आपका जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं डी फार्मा में आपको पढ़ाया क्या जाता है। उसमें आपको फार्मेक्चुअल साइंस के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहां पर आपको अच्छे अच्छे अगर कॉलेज में हम जाते हैं तो वहां पर आपको सारी के सारी बेसिक नॉलेज सारी फार्मेक्चुअल साइंस के ऊपर दी जाती है। फिर बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है। अगर हम डी फार्मा की बात करें, ट्वेल्थ के बाद जब आप डी फार्मा करते हैं तो इसका ड्यूरेशन 2 साल होता है, यानी 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर में आपको ये करवाया जाता है। और डी फार्मा के बाद अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो बी फार्मा में भी डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मिल जाती है, यानी कि डी फार्मा के बाद अगर आप बी फार्मा जाते हैं तो वो 3 साल का रह जाता है, अदरवाइज बी फार्मा 4 साल का होता है। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो डी फार्मा में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसमें 2 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला तो है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा होता है आप एंट्रेंस के थ्रू लेते हैं। एंट्रेंस में अगर आप जाते हैं तो CPMT होता है, PMET होता है, GPAT होता है, जी फार्मेसी होता है, AUAIMEE के एंट्रेंस होते हैं जिसको आप क्लियर करते हैं, उसके बाद आप एंट्रेंस के बाद भी डी फार्मा में एडमिशन ले लेते हैं। वहीं फिर फीस की बात करें, अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं तो फीस में गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में ऑब्वियसली फीस 10 से 20 हज़ार में आपका जो है डी फार्मा हो जाता है। लेकिन अगर वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में आपको 60 से 70 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर भी फीस देनी होती है, यानी कि 2 से 2.5 लाख रुपये आपका डी फार्मा का जाता है। बात करते हैं जब आप डी फार्मा करते हैं तो उसमें आपको स्पेशल कॉम्पोनेंट्स में क्या क्या सिखाया जाता है। तो उसमें आपका होता है कंपाउंडिंग टेक्निक्स होती है, कंपाउंडिंग टेक्निक्स के अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, थर्ड पार्टी बिलिंग होती है, फार्मेसी सॉफ्टवेयर जो आते हैं उनको चलाने की प्रैक्टिस आपको दी जाती है, एक्यूरेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एक्यूरेट एंड सेफ रिकॉर्ड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये होते हैं इसके स्पेशल कंपोनेंट्स जो आप डी फार्मा में सीखते हैं। और अगर मैं बेस्ट कॉलेजेस की बात करूँ कि हाँ, अगर डी फार्मा आपको करना है तो बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं इंडिया में, तो कुछ कॉलेज की मैं बात करूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि DIT यूनिवर्सिटी देहरादून है, इसके अलावा मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेक्चुअल साइंस है जो कि मणिपाल में है, इसके अलावा देवभूमि ग्रुप ऑफ एजुकेशन है जो कि देहरादून में है, KR मंगलम है जो कि गुड़गांव में है, और NIMS यूनिवर्सिटी है जो कि जयपुर की है, और जामिया यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली की है, न्यू दिल्ली की है। ये कुछ चुनिंदा है जो बेस्ट कॉलेज है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये टॉप में आते हैं कुछ, जहां से आप अगर डी फार्मा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा करियर ग्रोथ मिल जाता है। बात करते हैं फिर डी फार्मा करने के बाद अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल सकती है। तो जो डी फार्मा करने के बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको फार्मासिस्ट जॉब आराम से मिल जाती है। इवन अगर आप चाहें तो किसी भी लैब असिस्टेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद का अपना मेडिकल स्टोर इजीली खोल सकते हैं। और कई बार होता है कि जो मेडिकल स्टोर खोल रहे होते हैं या जो ऑलरेडी मेडिकल स्टोर का उनका ओपन है, लेकिन वो उसके बाद डी फार्मा की जो है उसके लिए एडमिशन सर्च करते हैं और उस तरीके से वो डी फार्मा करते हैं, जिससे कि उनके मेडिकल स्टोर के लिए एक लाइसेंस मिल जाता है जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलता है, जिससे कि उनको सेफ हो जाता है और वो दवाइयाँ सेल आउट
कर सकते हैं। और लास्ट अगर सैलरी की बात करें कि अगर आप डी फार्मा करते हैं और आपने किसी अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आपको एज अ फ्रेशर भी कम से कम 5 से 7 लाख रुपये का पैकेज आपको बहुत ईजिली मिल जाता है। और बाकी तो ये होता है हमेशा कंपनी वेरी करती है और आपके स्किल्स और उसके बाद आपका जॉब एक्सपीरियंस कि उसके बेस पर वो सैलरी बढ़ती चली जाती है। और लास्ट हम बात करेंगे कि कुछ होती है क्वेरी या हमारे पास भी कमेंट आते हैं कि क्या मैं डी फार्मा बैक डेट में कर सकता हूँ, क्या मेरा डी फार्मा में एडमिशन हो सकता है पिछले साल में। तो अगर आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी बोलते हैं जिसको आपके लैंग्वेज में, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो आपके साथ फ्रॉड होता है। कभी भी अगर आपको कोई बोले कि डी फार्मा, बी फार्मा या फिर कोई भी मेडिकल कोर्सेज जिसमें कि वो आपको बोलते हैं अगर कि हम आपको बैक डेट में करवा देंगे या फिर हम आपका प्रीवियस ईयर में एडमिशन दिखा देंगे, तो वो बिल्कुल गलत होता है। और अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो आप मत कीजिए, क्योंकि ये काउंसलिंग कोर्स होते हैं और काउंसलिंग कोर्स का सारा रिकॉर्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे जाता है। तो अगर कोई आपको बोलता है हम आपका बैक डेट में ये वाला एडमिशन करवा सकते हैं, तो डी फार्मा के लिए बिल्कुल भी वहाँ मत जाइएगा, ना ही बी फार्मा के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अभी भी अगर आपको कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा।